शिवसेना के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए विवादित बयान दिया। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तीखे शब्दों में बयानबाजी की। संजय राउत ने बीएमसी चुनाव को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, साथ ही सरकार द्वारा नोटबंदी करने को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर भी संजय राउत ने बयान दिया। शिवसेना के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए विवादित बयान दिया। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तीखे शब्दों में बयानबाजी की। संजय राउत ने बीएमसी चुनाव को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, साथ ही सरकार द्वारा नोटबंदी करने को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर भी संजय राउत ने बयान दिया। शिवसेना के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए विवादित बयान दिया। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तीखे शब्दों में बयानबाजी की। संजय राउत ने बीएमसी चुनाव को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, साथ ही सरकार द्वारा नोटबंदी करने को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर भी संजय राउत ने बयान दिया।